Sana. Honestly speaking, मैंने बहुत कम plays देखे हैं और as an actor, I really feel कि बहुत confidence चाहिए live performance देने के लिए because there are no retakes, there's no cut और मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी. तो when I see them doing that act, I feel like oh my god, how confident they are. And I think that is the reason I enjoy watching play because कहीं ना कहीं when I keep watching plays, मेरा confidence personally भी बढ़ता है. So yeah, what I've seen, this is like my 5th or 7th play I guess that I'm seeing. I think she's a cute actress, yeah. She's a very, पता नहीं वो double trouble में कैसे, I think वो double trouble में फंस जाएगी. But I think I'm really looking forward कि Smiley Suri का भी debut हो रहा है in terms of you know play wise मैंने और especially I'm specially for Riddhi because she's my very good friend. We've been together on खतरों के खिलाड़ी, so I'm here to support her and it's excellent to be a part of any show I guess. Honestly speaking, मैं हमेशा डांस करके आई हूँ. मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाई हूँ. मुझे हमेशा लोगों को देख के पता नहीं क्यों शर्म आ जाती है और मैं कभी एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ. But yeah, मैं definitely अगर मौका मिला तो लाइव, I don't know, but करना चाहूँगी. Thank you. मेरा लाइव आया मैं. यार मैं खुद प्लेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो प्लेस देखना हमेशा इस डी बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग फॉर एनी एक्टर फॉर डायरेक्टर एंड इट्स ऑलवेज डी प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विथ थिएटर. मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ ललित दुबे के साथ जो कि 7 साल से चल रहा है वेडिंग एल्बम एंड वी ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पारितोष और इनके जो प्लेज हैं सूरी के बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड फन टू कम एंड सी द प्लेज. वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड आपने कितनी भी फिल्में करी हो, सील करी हो, जब आप थिएटर में आते हैं आप प्ले करते हैं उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर द एक्टर ऑल्सो ऑल द एक्टर्स एंड द ऑडियंस ऑल्सो. आया नहीं अभी तक. थिएटर प्ले से कितने बड़े शौकीन हैं आप और कितना वक्त मिलता है आपको देखने? मुझे ज़्यादातर हिंदी थिएटर पसंद है बट मैं एज अ डांसर इंग्लिश थिएटर कर चुका हूँ बहुत सारे. सो अब मुझे एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला इंग्लिश थिएटर में या हिंदी में बट आई लुक फॉरवर्ड एंड टेक आउट टाइम फॉर इंग्लिश प्लेज. मेरे हिसाब से ज़रूरी है बट मेरे हिसाब से सिर्फ लाइन लर्न करने के लिए ज़रूरी होता है. परफॉर्मेंस तो कैमरा डिफरेंट कैप्चर करता है और ऑडियंस एक डिफरेंट रिएक्शन देती है. सो स्माइली सूरी से बेसिकली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो सडनली इतना लाउड कॉमेडी कर पाएंगी. नहीं, यू नो ज़्यादातर लोग परितोष, बलविंदर ये सब लोग को देखते हैं कि स्लैपस्टिक कॉमेडी है बट यस सरप्राइज आइटम होगा कि स्माइली सूरी तो लोग देखेंगे एक कॉमेडी करते हुए. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं 2 शोज कर रहा हूँ एक स्टार प्लस के लिए और 2 फिल्में कर रहा हूँ बट वो 2016 में रिलीज होंगे. थैंक यू. बहुत सारे दोस्त इन्वॉल्व हैं. परितोष को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. वो पहले एक फिल्म बना रहे थे जिसमें मैं हीरो होने वाला था बट वो फिल्म हुई नहीं. यू नो अबाउट दैट? हाँ, तो परितोष एक फिल्म बनाने वाले थे जिसमें मैं हीरो होने वाला था बट उनके जितने भी प्लेज होते हैं आई ऑलवेज कम फॉर द प्रीमियर. तो एक एसोसिएशन बना हुआ है, दोस्ती है एंड ये प्ले इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है स्माइली वो परफॉर्म करने वाली है. उनका डेब्यू है एंड अगर आज मैं बिजी भी होता या शूट पर भी होता
I would have surely come to this Smiley ko support her. I think movies se zyada mujhe plays ka zyada shauk hai and aaj jab mauka mil raha hai to maine bilkul nahi choda aur hum log actually Smiley ko support karne ke liye aaye hain and we wish her all the best for theater debut. मैं सिर्फ होप करता हूँ और प्रे करता हूँ कि स्माइली कोई गलती ना करे, अच्छे से पूरा प्ले कंप्लीट करे. और मैं नहीं चाहता कि वो स्माइली ऐसी है कि अगर वो कोई लाइन भूल जाएगी ना तो वो ऐसे करेगी, ऐसे वो ऐसे ना करे, बस स्मूथली वो प्ले कंप्लीट हो जाए. वो अगर गलतियाँ करे तो उसे ही पता हो. तो बस कॉन्फिडेंट रहो, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तो आई एम श्योर कि सबको बहुत मजा आएगा. मोहित सर आप लोग पहचानते ही हैं कि मुझे थिएटर में बहुत दिलचस्पी है. मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ एंड आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप थिएटर लाइव देखते हैं तो ऑफकोर्स बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स नज़र आते हैं, स्क्रिप्टिंग स्टोरीज, लेकिन उसके अलावा एक जो एक कलेक्टिव एनर्जी होती है जहाँ पे इन दैट मोमेंट देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ रिस्पॉन्स, इट्स वंडरफुल टू सी दैट. सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए प्रोफेशनल थिएटर करना जरूरी होता है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इन्ग्रीडियंट. आई नो मेनी 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 पीपल हु बीन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन थिएटर एंड हैव डन फिनोमिनली वेल इन फिल्म. ऑल्दो आई डोंट बिलीव इट्स कंपल्सरी, आई ऑल्सो डोंट बिलीव दैट सम पीपल हैव ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर थिएटर, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे वुड ट्रांसलेट एज वंडरफुली ऑन कैमरा, बिकॉज there is something called an X factor that the camera picks up on. So but it's a wonderful instrument to grow and evolve as a actor. Of course I'm here for Smiley and I'm so proud of her. Ye unka pehla play hai and I think bahut acha waqt aa gaya hai, daur aa gaya hai jahan pe aur bhi log jo ek samay tha jab ek टाइप ऑफ लोग ही थिएटर करते थे. नाउ आई थिंक इट्स सो नाइस एंड सो वंडरफुल फॉर द प्लेटफॉर्म दैट यंगर एक्टर्स हु आर इन फिल्म आर ऑल्सो डूइंग थिएटर. आई नो कुणाल कपूर एन अदर फ्रेंड ऑफ माइन रिसेंटली डिड अ प्ले फॉर पृथ्वी, सो इट्स रियली नाइस टू सी दैट. थैंक यू.